back to the channel everyone. I hope you guys absolutely. अच्छा welcome back to the power लगा क्या? और ना भी लिया के? ओह अरे जा ये कर कोई। ये हो रहा भाई ये हो रहा ये हो रहा ये हो रहा। तुम अभी उठा है क्या? मेरा वो बाथरूम अलग है ना। मैं 8 बजे उठ गया एडिट करके फिर रिलीज कर दिया। ठीक है। गुड मॉर्निंग। ओ भाई ये इसलिए लिया था क्या ये कमरा? ये एलिविश वाला रूम रहा सो रहा है। जो धूप लग रही है ना वो धूप भी इतनी मतलब समझ रहे हो इतनी हार्श नहीं लग रही इस टाइम। मैं उठ के तो रेडी हो गया भाई। अब खाने वाने का सीन बोल रहे हैं बाहर खाएंगे या नहीं खाएंगे होटल में क्योंकि कल रात का खाना यहाँ का बेकार था। मैंने कहा फिर चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। मैं तो हो गया भाई अब देखते हैं थोड़ी देर। वहीं से मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी साफ कर दूँ क्या। इतनी ऊपर ऐसे ही बुला रहा है मुझे लग रहा है कह रहा उस साइड की निकाली है। मैंने कहा उस साइड भी देखा है भाई मैंने पागल है ना। कुछ नहीं हुआ यार भाई कुछ नहीं हुआ मतलब भाई खुद घूम के आया तो इसका ये मतलब है। अभी मैं 5-10-15 मिनट पहले ही तो मैं गया था वीडियो बनाने का। अभी तो कुछ भी नहीं था भाई। बैग बहुत चुका है अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं। गाड़ी में रखते सामान गाड़ी स्टार्ट पे लगा दिया चार्ज मैंने खड़ी की नहीं है। ये दो गाड़ी का है एक का ही ले तो लेंगे जी। इसको लेके कैसे जाएंगे? ऐसे गोली भर के ले जाएंगे। अरे भाई ये ऊपर तो आएगा पड़ा दिखे। अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई आराम से आराम से आराम से आगे से ले लो क्या खून भी पड़ा है खून है। ओ भाई गलत
तो भाई मेरे को पता नहीं था यहाँ हिमाचल में सस्ता डीजल मिलता है, क्योंकि देखो अपन ज़्यादा ट्रैवल किया नहीं है हिमाचल में, और पेट्रोल पंप मैंने ऐसा कभी सर्च नहीं किया, देखा नहीं है कि भाई इतना सस्ता मिलता है। बट हाँ अप्रोक्स 9 रुपये का, 9 रुपये सस्ता है जहाँ से हमने डलवाया था। मतलब यहाँ से मान लो 15-20 किलोमीटर पहले ही डलवाया था, जहाँ पे इस टाइम है यहाँ से 15-20 किलोमीटर बाद, मतलब अब जब जा रहे हैं बाद, इतने ही किलोमीटर के आसपास डलवाया था और उसमें इतना डिफरेंस था, मेरे को पता ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं, आगे के लिए पता चल गया, फिलहाल भरवा लेते हैं। वैसे तो मेरे इसमें फुल ही है, एक डंडा गायब है, मैंने कहा चलो एक डंडा डलवा लेते हैं। मेरे ख्याल से 600-700 रुपये देता है, 700 कर दो, इतना ही बोली थी। चलो कोई बात नहीं, फिर भी हमने कितने 70 रुपये बचा लिए। Para un tomor y no viejito, ser la envidia todo será. Tú eres lo que soñaba, tú eres lo que quería. La que enamoró mis ojos y robó mis poesías. Tú eres la que soñaba, tú eres la que quería. Adiós sé que esa mujer es lo mejor que le ha pasado. भाई ने बताया था कि अंबाला सिटी के यहाँ पे ही कोई आएगा तो हम नीचे उतर गए हैं, कोई सा मतलब रेस्टोरेंट वगैरह जिसमें हम ब्रेकफास्ट आई मीन ब्रंच करेंगे, जग्गी सिटी सेंटर, हाँ यही बता रहे थे, नाम भूल गया था मैं, पेट्रोल पंप पे गुजरे जग्गी सिटी सेंटर। नो पार्किंग। जिस स्पीड से हम चल रहे थे ना, मुझे लगा, मैंने कहा चल भाई अब तो दिल्ली ही रुकेंगे, छोड़। ये अज्जू की गलती है, मैं बोल रहा हूँ सच्ची में। कितने डाबे क्रॉस कराए? 3। मैं बोल रहा हूँ, मैंने कहा कटा जाएगा फोन आ रहा भैया, भूख लग रही है। अरे मैसेज कर रहा है वो, सबको लग रही है। पीछे कर दो, तब तो खाना खा के चले जाएंगे। चल कोई नहीं, लगाओ लगाओ लगाओ, मैं आता हूँ। हाँ मैं ना कोई से भी ट्रिप से पहले जाते हैं ना, मतलब घर जा रहे होते हैं तो सबकी ऐसा लगता है रेस लग रही हो, और सेम आज कर रहा था ये। हाँ भाई, भाई मैंने गाड़ी भगाई नहीं, काश भाई। नहीं भाई तू भगा तो ना था, तो रोक ही नहीं रहा था, दिक्कत तो यही थी। भाई मैं करप्ट का मैसेज आ रहा, कभी ग्रुप पे कभी किसी पे, भाई रोक लो भाई। भाई लिस्ट बनाया था उसमें, उसमें तू, अरे तू जा नहीं रहा था ना उस टाइम। मुझे तो लगा था भाई जब वो कटारी आगे नहीं लेके गया, मुझे लगा आगे जाके अपड्रिफ्ट मार के रोकेगा कि भाई अब रुक जाओ बहुत देर हो गई है। अक्षय कुमार की मैंने बोली थी, मैंने कहा, मैंने कहा भाई ये दिल्ली पहुंचाएगा, मैंने बोली है तो अभी अभी सोचा है, पहले सोच रहे थे कि दिल्ली से निकल जाए, लेकिन दिल्ली से नहीं निकल रहा है क्योंकि अभी फिलहाल हो रहे हैं 4:10 और दिल्ली पहुंचने में अभी लग जाएंगे 2 घंटे। तो हमने सोचा भाई KMP की तरफ से निकल जाते हैं, रास्ते में एक स्टॉप और लेंगे, उसके बाद सीधा KMP एंड सीधा घर। मेरी गाड़ी चल रही है 120 और ये देखो अभी अभी पता चल जाएगा, ये कहेंगे भाई मैं तो चला ही नहीं था तेज गाड़ी, और इससे आगे वाली गाड़ी मतलब फॉर्चुनर और XUV 700, इसकी स्पीड पता नहीं चलती यार, मतलब अंदर बैठे हुए इतनी नॉइस नहीं है। यहाँ चल रही 110, इससे तो अंदाजा लग रहा होगा कि वो भी 130 के आसपास जा रही है। तो ब्रिस्था की कॉफ़ी का अलग ही चाव चढ़ गया है सब मेरे को तो, और यहाँ पे बैठ के हमें क्या करना है, टोटल भी करना है कि इस बार हमने कितना खर्चा किया इस ट्रिप पे। तो यहाँ पे लगा रहे हैं हम गाड़ी, ये इस साइड लगा दी। अरे ये थोड़ा कहाँ गया ब्रिस्ता? अच्छा यहाँ से नीचे उतरना है, पता है
कॉफी अभी खत्म हुई थी और अभी पीने आ गए। तो भाई कटारिया एज यूजुअल, मैं कह रहा था, मैंने कहा कॉफी अभी खत्म हुई थी मेरी और कॉफी खत्म हुई, मेरी तो पहले खत्म हुई, मैं तो बहुत आराम से पी रहा था। तू तो दिख ही नहीं रहा था पीछे से, मैंने कहा दूसरा बंदा लेटा पड़ा है। वो मेरे वाला देखो वो पीछे लेट गया, कह रहा मैं पीछे डिग्गी की है ना थोड़े से स्वाद ले आता हूँ। चल भाई यहाँ से चलते हैं, यहाँ तो हम सोच के गए थे बरिस्ता मिलेगा या कुछ नहीं मिला, या बर्गर किंग मिला। बर्गर किंग मतलब कुछ खाना थोड़ा था, भूख तो लगी नहीं रही थी, फुल ऊपर तक लोडेड हम, तो यहाँ से चल रहे हैं आगे खाएंगे। चल भाई भाई मस्त सीन लेते हुए पीछे सारी गाड़ियों का कोऑर्डिनेट कर। यहाँ निकली ये कार आई, अब इनके आगे बढ़ाओ विक्रम भाई। अरे भाई चलो भाई अब चलो बंद कर दिया, क्लोज सनरूफ। अरे नहीं मजाक कर रहा हूँ, बना ले। नहीं हो गए भाई, हो गए। इसके पीछे की कंफर्टनेस भी बहुत अच्छी है भाई, इसको पीछे करो मस्त आराम से को, और गाड़ी दे देनी चाहिए थी मेरे को वहीं पे किसी को, इसमें बैठ के आ जाता मैं तो आराम से, पीछे सोते हुए भी चल सकते हैं। बढ़िया, हमको गाड़ी चलाने का बहुत ज्यादा शौक है। क्यों विकास भाई? इसलिए तो भाई ने भी नहीं दी। विक्रम भाई अब मिल गई ना आपको गाड़ी, अब बस खींच दो अब उसे, आगे आगे गाड़ी गायब हो गई है। नहीं, आराम से चलना विक्रम भाई। एक घंटे 17 मिनट रह रहे हैं, कहाँ की आप अपने घर की लगा रहे हैं? मैंने अपने घर की लगाई है, डेस्टिनेशन 1 घंटे 17 मिनट दिखा रहा है। चश्मा ले लेते हैं बस, और यहाँ पे पीते हैं नारियल पानी और वेट करते हैं इनका। यहाँ से अज्जू जाएगा, अज्जू भी पीछे रुका हुआ है, हम सबसे आगे आ गए पता है। अज्जू पीछे रुक गया था वहाँ पे, चाय भी निकली। नहीं नहीं नहीं, दिक्कत था वहाँ पे साइड में रोक के खड़ी थी उसकी गाड़ी। ये आ गया ना, ये ना अज्जू ही आ गया, और जोनी पीछे आ रहा है, मैं भाई के साथ बैठ के आ गया। पर भाई बहुत ही प्यारी भाई, मैं किसी दिन इसकी राइड लेने वाला हूँ पक्का भाई। भाई अरे पीछे आ गए थे भाई। हाँ वहाँ पीछे रोक ली थी ना, आज लंबी आज चलाते हैं। चलो नारियल पानी भी होता है, 5 निकाल दो भाई। नारियल पानी भाई पोटेशियम पिला रहे हो क्या? पिला देंगे भाई, हम भी आएंगे। देखो हाथ तो जाने अपने भाई, नारियल काट छोड़। काट भाई काट, आज सिनेमेटिक शॉट लेंगे नारियल का भी और चलते हुए भी। आज छोड़ के
वो वाला मजा ना हो जाए खड्डी पे उड़ाते लात भी टूट जाएगी। विकास भाई कैच भाई, विकास भाई कैच कैच। सो गाइस यहाँ पे ना अभी एक मिनट इसमें चेक करता हूँ, वार्निंग में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो नहीं इसमें नहीं आया, फोन है करेक्ट है, मम्मी का फोन आ गया। तो भाई यहाँ पे ना इसमें वार्निंग आ गई थी, मतलब मेरी ये सर्विस के लिए बोल रही है। मम्मी मेरी मम्मी का भी फोन आ गया भाई। भैया तेरे खर्चा भी जा चुके हैं। ओके गाइस छोड़ के चलोगे यार, भाई चाय भी दे दो भाई। सॉरी मांग सॉरी भाई, क्यों क्यों छोड़ के गया यहाँ। चल ठीक है भाई, ओके बाय 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 ना दे भाई ले चल। ओके भाई की लगाऊ बॉस? बॉस तो देखेंगे फिलहाल। पहुंच गया भाई घर पे, ओह पूरा थक गया मैं तो, लेट रहा हूँ। कितनी देर में चलना है? चल भाई नहीं मैं पाँच सात मिनट लेटता हूँ ना यार, और लाइट बंद करके ही लेट जाना चाहिए था वैसे। चलो गाइज इस ब्लॉग को, ओए मम्मा इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रहा हूँ। आई होप गाइज आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा फॉर व्हाट्स ऑफ रीजन। डू लाइक डू कॉमेंट डू शेयर, नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। टिल देन खुश रहो, यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो डेली अपडेट के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।